ओडिशा परवर्ती खबर को गुजरात सूरत रे एक कोचिंग सेंटर रे अग्निकांड घटी 20 छात्रंकर मृत्यु परे राज्य सरकारंकर चेता पसिछि ओडिशा रे थिबा कोचिंग सेंटर रे किभळी अग्नि निरापत्ता व्यवस्था रहिछि से सबुर जांच लागि अग्निशम विभाग पक्षरु निष्पत्ति होइछि। ए निष्पत्ति परे आज ब्रह्मपुर अग्निशम विभाग पक्षरु घरै कोचिंग सेंटर रो जांच करा जइबो। तेज संबंधी अधिक आलोचना ब्रह्मपुर गिरी रोड रु आम प्रतिनिधि शक्तिधर राजगुरु अच्छा आलोचना करने शक्तिधर सहित शक्तिधर भुवनेश्वर अनेक कोचिंग सेंटर मानक गुजरात सूरत जो कोचिंग सेंटर जो अग्निकांड होता तापर मकड्रिल कर स्थिति वर्तमान केमती अच्छी भुवनेश्वर तार जांच कर ब्रह्मपुर कोचिंग सेंटर मानक अग्नि निर्वापक व्यवस्था आरंभ कर सब गाइडलाइन ठीक ठाक अच्छी ना नहीं जांच करमी कौन स्थित आप देखुं कौन वर्तमान सूचना आसू जो घर शिक्षानुषान सब अच्छी कोचिंग सेंटर सब अच्छी से गुड़िकर अग्नि निर्वापक व्यवस्था सठिक भाव अच्छी ना ना से आज अग्निशम विभाग पक्ष 10 स्वतंत्र टीम करजे अग्निशम विभाग जी आईजी अच्छा राजेश कुमार सीए मैं आसी पहुंचा और बर्तमान सका 10 स्वतंत्र टीम बाहर 10 स्थान में पृथक पृथक भाव से चढ़ाव करेंगे आईटी जेहेतु खलिकोट कलेज निकट में जेहतु अनेक गुड़िया कोचिंग सेंटर रही है या पूर्व आम रियलिटी चेक करूँ आम देखी ब्रह्मपुर जो शताधिक जो कोचिंग सेंटर घर शिक्षानुषान सब अच्छी कोचिंग सेंटर अच्छे से गुड़िकौसी स्थान में अग्नि निर्वापक व्यवस्था आदौ ना तो निश्चित भाव जो सूरत जो भयावह अग्निकाण घटला और 23 जन छात्र छात्री मृत्युवरण करते गुरुत्व देखिए बर्तमान राज्य में अग्निशम विभाग पक्ष पदक्षेप नि तो बर्तमान ये आप देखते अग्निशम विभाग बर्तमान आ विभिन्न जो शिक्षानुषान अच्छी घर शिक्षानुषान से गुड़िक चढ़ाव करेंगे जदि देखिए कौन घटना घटिया पर ही विभिन्न विभाग पक्ष तत्परता प्रकाश पाँच जदि पूर्व देखा सम हस्पिटाल जो अग्निकाण घटा किसी नर्सिंग होम चढ़ाव कराइला और परवर्त समय जो सपिंग मल्रे अग्निकाण घटा सपिंग मल गुड़ चढ़ाव करता और से ही आज जो सूरत में यह भयावह अग्निकाण घटी यापर विभिन्न घर जो शिक्षानुषान कोचिंग सेंटर अच्छी से गुड़िक चढ़ाव कराई अग्नि निर्वापक व्यवस्था जांच निर्देश दि जाऊँच जे अग्नि निर्वापक व्यवस्था से रखापी ब्रह्मपुर जदि कह ब्रह्मपुर महानगर निगम पक्ष कर्तृपक्ष पक्ष अग्नि समस्त शिक्षानुष्ठान बाध्यतामूलक कर सर्वसाधारण नोटिस जारी कर समस्त शिक्षानुष्ठान जदि अग्नि निर्वापक व्यवस्था जदि न रहे तो सेगढ़ क्लोजर नोटिस दिजाई निजे ब्रह्मपुर महानगर निगम कमिशनर और जी प्रशासक अच्छा महानगर निगम जिलापाल सी स्वतंत्र बैठक डाक से नोटिस जारी कर तो आम सहित अच्छे अग्निशम विभाग अधिकारी अच्छा कौन कह आज जो बर्तन चढ़ाव कर कौ जिनस देखुं आज आम चढ़ाव बेले आम आज फायर बिल्डिंग फायर प्रिभेनसन फायर सेफ्टी मेजर्स कौन नहीं कौन नहीं से विषय से अवगत करूँ फायर सेफ्टी एवारने पा स्टाफ को सेटर कोचिंग इंस्ट्रक्टर हूँ स्टाफ हूँ स्टूडेंट हूँ मालिक हूँ जेहसु जनइबू आउ कौन कौन फायर सेफ्टी मेजर्स से इन फ्यूचर जदि कौन इंसीडेंट हुए जल्दी किंतु इवाकुएसन हो पारे और फायर कंट्रोल केमी जापरेंगे आउ इमरजेन्सी समय अन्य उपरिस्थ अधिकारी कौन कौन इमरजेन्सी नंबर में कंटाक्ट कर जनईपारे आउ उच्च उचित पदक्षेप नहीं पारे टू सेफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी से विषय में अवगत करूँ आज निश्चित भाव जो नियमित व्यवधान में अग्निशम विभाग पक्ष जो मकड्रिल विभिन्न स्कूल जो बहुत कोठा अच्छे से मकड्रिल कितु बर्तन जहाँ देखा जदिव मकड्रिल कर फायर डिपार्टमेंट सचेतन अच्छी कितु जो घर शिक्षानुषान सब अच्छे से सचेतन ना पिला जमी जो दुर्घटना न घटे से निजे सचेतन हो जो फायर एक्सटिंग व्यवस्था कथ कहूँ एक्जिट आउ एंट्री दुईट रास्ता रहा कथ से गुड़ाकुना आज देखा हाँ से गुड़ाक आम देखूँ सहित से अवगत करूँ केत एक्जिस्ट रोते स्पेस रोक फायर सेफ्टी मेजर से बिल्डिंग टेकन अप ने आई विषय आम जनइबू ता सहित से जन दिजे से फायर सेफ्टी मेजर्स आईन अनुसार ने ये थे अग्निशम विभाग अधिकारी जी बर्तमान आँच करने अग्निशम जो व्यवस्था सब रही ना नहीं घर शिक्षानुष्ठान गुड़िक जांच करेंगे और जांच करापे आज तो 10 टीम बाहर और 10 स्थान को चिन्हट कर जोटि की बहुत संख्यार पिलाने रोचान पाठ पढ़ापी आमती कौन किसी अघटन आगक न हुए से प्रतिकारात्मक व्यवस्था हो। स्निग्धा
निश्चित भाव में अघटन को एड़ाइवा प्रतीकात्मक व्यवस्था एवं आपणा गुजरात सूरत में जोभली भाव में कोचिंग सेंटर में अग्निकाण्ड घटी 20 छात्रों मृत्यु घटी ओडिशा रे वर्तमान ताकू नहीं कि कोटि ना कोटि तत्परता प्रकाश पाई भुवनेश्वर हो ब्रह्मपुर हो सबुठी वर्तमान कोचिंग सेंटर मानक अग्नि निरापक व्यवस्था ठीक ठाक अच्छी ना नहीं से जांच आरंभ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मपुर गिरी रोड में थी प्रतिनिधि शक्तिधर राजगुरु सविशेष आमुख संबंध में सूचना दौले। आज विधानसभा रे बाचस्पति निर्वाचन हेबो दिगपहंटी विधायक सूर्यनारायण पात्र बाचस्पति भाव में निर्वाचित हेवानी एक प्रकार निश्चित होई। तेज विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन आरंभ में मुख्यमंत्री तथा गृहर नेता नवीन पटनायक सूर्यनारायण पात्र बाचस्पति रूप निर्वाचित करने को एक प्रस्ताव आगत करेंगे। प्रस्ताव को समर्थन करेंगे संसदीय व्यापार मंत्री विक्रम केशरी आरुक। एने विधानसभा कार्यालय पक्ष एक नोटिस जारी कर विधानसभा बीजेडी 112 विधायक थिवारु सूर्यपात्र बाचस्पति रूपे निर्वाचित होवा निश्चित हो जाए। कामजोड़ा बाचस्पति अमर प्रसाद शतपथी नवनिर्वाचित विधायक को गत दुई दिन है शपथपाठ कर मोदी सरकार द्वितीय पाली प्रथम कैबिनेट बैठक में बड़ निष्पत्ति प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजन बड़ परिवर्तन पुओंक छात्रवृत्ति को 500 टंका एवं झियंकर छात्रवृत्ति को 750 टंका बढ़ा जाए। पुओंक छात्रवृत्ति 2000 रु बढ़ी 2500 टंका होई छि। झियंकर छात्रवृत्ति 2250 टंका रु बढ़ी 3000 टंका को वृद्धि करा जाए छि। एबे ही योजना रे शहीद पुलिस कर पिला माने भी शामिल होइछंती। तेबे आतंकवादी एवं माओ आक्रमण रे शहीद होइथिबा पुलिस को पिलांकु भी एही वृत्ति दिया जिवो। यासह कृषक मानक पई कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाए छि। प्रधानमंत्री किसान योजना रे परिसर वृद्धि होई एवं समस्त चासी पीएम किसान योजना रे अंतर्भुक्त हेबे। एवं सबु चासी को वर्ष को 6000 टंका मिलिबो। या द्वारा देशर 14.5 कोटी चासी उपकृत हेबे। सेपरि पीएम कृषक पेंशन योजना रे जोड़ी हेबे 12 कोटी चासी। प्रथम पर्याय रे 5 कोटी कृषक शामिल हेबे। 60 वर्ष पर चासी को 3000 टंकार पेंशन मिलिबो। सेपटे जून 17 संसद बजेट अधिवेशन जून 17 आरंभ हो अधिवेशन जुलाई 26 तारीख जाए चलो सूचना मिली। प्रथम दुई दिन में नवनिर्वाचित सांसद माने शपथ ग्रहण करेंगे। जून 19 लोकसभा बाचस्पति निर्वाचन होने संभावना रही। तेरे जुलाई 5 तारीख में बजेट उपस्थापन होने सूचना देते केन्द्र सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। जो प्रावधान था उस प्रावधान के अंतर्गत 12.5 करोड़ किसान इस योजना के अंतर्गत कवर होते थे। 2 करोड़ किसान ऐसे थे जो अभी इस योजना से छूट रहे थे। जो 2 हेक्टर तक का बंधन आज मंत्रिपरिषद ने समाप्त कर दिया है। अब सभी किसान इस योजना में पात्र होंगे। 2 करोड़ किसान और जुड़ जाएंगे तो यह संख्या 14.5 करोड़ हो जाएगी। 17 जून से 26 जुलाई तक 17 जून से 26 जुलाई तक 40 दिन का और 30 सीटिंग का यह अधिवेशन होगा। 17-18 को लोकसभा के सदस्यों की शपथ होगी। 19 को सभापति का चयन होगा स्पीकर का। उसके बाद 20 तारीख को राष्ट्रपति को दरखास्त करेंगे कि वो दोनों सदनों के अधिवेशन को संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करें। फिर उसकी चर्चा होगी। 5 जुलाई को बजट होगा।